हाय, मैं हूं सृष्टि और मायापुरी की 5 पीएम बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाहरुख खान ने पठान का टीजर रिलीज करके फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया है। अब इस फिल्म की रिलीज से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि फैंस को काफी पसंद आएगी। पता चला है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का दमदार सीक्वल बन सकता है। जी हाँ, फिल्म रिलीज से पहले ही इसके पार्ट 2 को लेकर खबरें आ रही हैं। दरअसल इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने किया है। उन्होंने कहा कि आप लोग दुआ करो कि पठान का सीक्वल बन जाए, मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। हम सभी ने फिल्म पर कड़ी मेहनत की है, फिल्म इतनी अच्छी हो और दूसरा भाग सामने आए ताकि हम जल्द से जल्द सीक्वल पर काम करना शुरू कर सके। शाहरुख खान ने शर्त रखी है कि इसके पार्ट 2 के लिए पठान को हिट करवाना पड़ेगा। एक्ट्रेस काजोल अपने काम के साथ परिवार को भी पूरा समय देती है। उन्हें अक्सर अपने दोनों बच्चों के साथ वक्त बिताते देखा जाता है, लेकिन बेटे युग के साथ कई बार उनकी खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसी बीच एक्ट्रेस इन दिनों बेटे के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इसकी एक झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। काजोल बेटे के साथ राजस्थान जा पहुंची हैं, जहां उन्होंने लेपर्ड सफारी का भी लुत्फ उठाया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपने सुकून के पल बिताती नजर आ रही हैं। हालांकि वीडियो में एक्ट्रेस की झलक नहीं दिखी, लेकिन बेटे युग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हैं और वो जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं। आलिया अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। फिलहाल एक्ट्रेस पब्लिक लाइफ से दूर हैं और अपना ख्याल रख रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली आलिया भट्ट ने अपनी माँ सोनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट के लिए खास नोट लिख दिया है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी माँ और बहन के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। इस साल रिलीज हुई दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों में द कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 में अनुपम खेर नजर आए थे। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं इस साल अब तक दो सफल फिल्में देने पर अनुपम ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि द कश्मीर फाइल्स की सफलता उनके लिए कमाए गए पैसे के मामले में कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए ये जरूरी था कि कश्मीरी पंडितों की कहानी 32 साल बाद आखिरकार दुनिया तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि अगर द कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 दोनों के फिगर्स को ध्यान में रखा जाए तो वो अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 480 करोड़ रुपए की फिल्में दी हैं। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा और उनके पति राजीव सेन इन दिनों अपनी शादी में आई प्रॉब्लम्स के चलते लाइमलाइट में हैं। चारू असोपा बैक टू बैक इंटरव्यूज में मैरिड लाइफ के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। वहीं राजीव सेन भी चारू असोपा पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीते दिनों चारू असोपा ने राजीव सेन पर चीटिंग का आरोप लगाया था। अब एक्ट्रेस ने अपने पति पर शक करने की भी बात कही है। यही नहीं, राजीव ने उनका नाम उनके ड्राइवर के साथ भी जोड़ा था। एक्ट्रेस ने बताया कि वो बिना बात के शक करते हैं। अगर घर पर कोई आया और उनसे पूछ लिया कि आप कैसी हैं और उन्होंने जवाब दे दिया तो भी शक। यही नहीं, चारू के मुताबिक राजीव सेन ने उन पर ड्राइवर संग अफेयर का आरोप लगा दिया था। तब्बू आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 52 इयर्स की होने के बाद भी तब्बू गॉर्जियस लगती हैं। मानो बढ़ते सालों के साथ तब्बू और भी जवां होती जा रही हैं। तब्बू की प्रोफेशनल लाइफ जितनी खुली किताब है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही सीक्रेट। आज उनके बर्थडे के मौके पर उनको उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स और दुनिया भर से फैंस ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। जानवी कपूर की मच अवेटेड सर्वाइवल ड्रामा फिल्म मिली आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। वहीं बीते दिन जानवी कपूर सनी कौशल स्टारर मिली की स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग भी हुई थी। इवेंट में जानवी कपूर की रेखा के साथ बॉन्डिंग की वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि स्क्रीनिंग के लिए पहुंची रेखा हैरानी और खुशी के साथ जानवी को एक टक निहारती रही हैं। इस दौरान वो एक्ट्रेस को प्यार से गले लगाती भी दिखी। इसके बाद दोनों एक साथ कैमरे के लिए तस्वीरें भी खिंचवाती नजर आईं। बिग बॉस 16 में काफी इमोशनल माहौल देखने को मिला। दरअसल टीना दत्ता को बिग बॉस ने जब ये जानकारी दी कि उनकी पेट डॉग रानी की डेथ हो गई है, तो ये सुनते ही टीना का बुरा हाल हो गया और वो रोने लग गईं। टीना को ये जानकारी देने के लिए बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था। टीना को इस बात का मलाल रहा कि वो रानी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। टीना के इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए भी रानी का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में टीना रानी के साथ क्यूट बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय में जब बॉडी शेमिंग किसी व्यक्ति को निशाना बनाने का सबसे आसान तरीका है, उमा कुरैशी की इसी मुद्दे पर बनी फिल्म डबल एक्सएल सेल्फ लव और बॉडी पॉजिटिविटी पर आधारित है। फिल्म के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने शेयर किया कि उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा है और यहाँ तक कि अपने वजन के कारण उन्हें एक फिल्म के लिए रिजेक्ट भी कर दिया गया।
हुमा ने कहा, वजन के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और मेरी फिल्म के रिव्यूज में किसी ने लिखा लीड एक्ट्रेस बनने के लिए हुमा का वजन काफी ज्यादा है। विकी कौशल के भाई और एक्टर सनी कौशल भी फिल्म मिली में जानवी कपूर के साथ नजर आए हैं। हाल ही में सनी ने अपने पिता के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि ये उनके लिए कितना मायने रखता है। एक्टर ने ये बताया है कि उनके पिता श्याम कौशल को भी उन पर गर्व है। सनी ने कहा कि ये पिता के साथ उनका दूसरा प्रोजेक्ट है और इससे पहले वो उनके साथ द फॉरगॉटन आर्मी में काम कर चुके हैं। श्याम कौशल फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे। सनी ने कहा कि पिता का साथ मिलना उनके लिए पूरी दुनिया मिलने जैसा है। मिली में कुछ एक्शन सीन्स हैं जिन्हें श्याम कौशल ने ही डायरेक्ट किया है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मायापुरी कट को।